हेलो दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ट्रेडिंग लैब चैनल पर दोस्तों ये मैंने नई सीरीज स्टार्ट करी है जिसके अंदर मैं जो भी आप आने वाले कमेंट्स में स्टॉक्स बताएंगे मुझे मैं उनका जो है प्राइस एक्शन एनालिसिस करूँगा ताकि जो है आपको भी सीखने को मिले कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होती है और प्राइस एक्शन एनालिसिस कैसे किसी सिक्योरिटी का किया जाता है तो दोस्तों आ, मैंने कुछ चार से पांच स्टॉक सेलेक्ट किए हैं जिनके ऊपर मैं आ, जो है प्राइस एक्शन एनालिसिस इस वीडियो में करूंगा और हम ये देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में वो स्टॉक्स कैसा परफॉर्म कर सकते हैं और किस तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी एज पर द टेक्निकल्स जो है वो ज़्यादा है इसमें हम कोई इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करेंगे इसमें हम प्योर जो है प्राइस एक्शन हो गया और प्राइस के पैटर्न्स हो गए सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गई ट्रेंड्स हो गए फिबोनाची हो, हो गए ये सारी जो बेसिक जो चीज़ें हैं इनके बेसिस पे करेंगे क्योंकि देखिए दोस्तों प्राइस एक्शन एनालिसिस जो है वो बहुत ही ज़्यादा सटीक होता है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है जितने ज़्यादा हम इंडिकेटर्स लगाते चले जाते हैं उतना दो जो है ना डिसीज़न लेने की क्षमता और डिसीजन लेने की कैपेबलिटी और हमारा जो चार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा क्लटरी होता है शुरू में जब आप मार्केट में आए हैं सीख रहे हैं तो इंडिकेटर्स के माध्यम से सीखना आ, जरूरी है क्योंकि आपको जो है एक बेस चाहिए होता है लेकिन धीरे धीरे आप प्राइस एक्शन एनालिसिस पे शिफ्ट कर जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा इससे पहले दोस्तों अगर आपने ट्रेडिंग लैब का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप कर सकते हैं इसमें हम आपको वॉच लिस्ट के लिए डेली कॉल्स देते हैं और जो वॉच लिस्ट की कॉल्स होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं एक से दो की मूव हमेशा देती हैं और नाइन्टी टू नाइन्टी की एक्यूरेसी है रियरली टेन जो ट्रेड्स हैं उनमें कहीं स्टॉप लॉस हिट होता है और हम उसको एक्सेप्ट भी करते हैं अपने चैनल पे कि स्टॉप लॉस हिट हुआ है और 90 परसेंट की एक्यूरेसी है और फ्रीली अवेलेबल चैनल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा तो दोस्तों शुरू करते हैं देखिए यहाँ पर मैंने ये सिक्योरिटीज़ जो है आपके लिए लिस्ट की है सबसे पहली सिक्योरिटी जो मैंने लिस्ट की है वो दोस्तों है टाटा स्टील अब टाटा स्टील में देखिए ये डेली चार्ट है टाटा स्टील का और टाटा स्टील कैसा परफॉर्म कर रहा है इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जो है ना जैसे हमारा हमारा जो चार्ट होता है उसको हम जूम आउट कर लेते हैं जूम आउट कब तक करेंगे एटलीस्ट आप सिक्स टू एट मंथ्स जूम आउट कीजिए सिक्स टू एट मंथ्स आप जूम आउट करते हैं तो आपको एक क्लियर जो है यहाँ पर डाउन ट्रेंड दिखता है कि एक ये स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड गया और उसके बाद अब ये वापस जो है एक रिवर्सल लिया है रिवर्सल क्यों लिया है क्योंकि जो प्रीवियस इसके लो प्रीवियस जो इसके लोस थे उनसे ये ऊपर निकल गया है तो एक तरह से ये रिवर्सल कन्फर्म्ड हो गया है इसमें देखिए यहाँ पे इसने जो है आ, अगर हम इसका देखें इसमें हम ट्रेंड लाइन खींचे तो देखिए यहाँ पे रिवर्सल हो गया है अब इसको हम इफेक्टिवली क्या देख सकते हैं कि ये कहाँ तक करेक्ट कर सकता है क्योंकि इस ये बहुत बड़ी मूव आई है डाउन मूव और इसके बाद एक बहुत बड़ी अप मूव आ रही है तो ये कहाँ तक जा सकता है इसके लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे दोस्तों फिबोनाची क्या करता है जो एक एक स्विंग हाई और एक जो बड़ा स्विंग लो है इसको कनेक्ट करता है तो इसको हम यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर छोड़ने के बजाय इसको हम यहाँ इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि हमें लेवल्स जो है ना वो इफेक्टिवली यहाँ पे दिख जाए कि लेवल्स क्या प्लॉट हुए हैं तो देखिए यहाँ पे आपके आपके ये लेवल्स प्लॉट हो गए अब यहाँ पे देखे, आप देखेंगे कि इस बड़ी मूव का ये देखिए रिट्रेसमेंट लेके बैठा हुआ है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो निफ्टी जो है वो भी बहुत ज्यादा ओवर है तो आपको यहां ये देखना है कि 61.8% परसेंट के आसपास ये वीकनेस शो करता है क्या यहां पर कुछ वीकनेस शो होती है और अगर ये यहां से वापस सिक्सटी से वापस करेक्ट करके थोड़ा नीचे जाता है तो ये कहाँ तक जा सकता है इसके टारगेट्स हम देखेंगे तो पहला टारगेट दोस्तों इसका 526 का ले सकते हैं और दूसरा टारगेट आप 505 के इस वाले जोन का ले सकते हैं जहाँ 38.2 है क्योंकि एक बहुत बड़ी मूव आ चुकी है और पिछली बड़ी मूव का 61.8 परसेंट पे टाटा स्टील बैठा हुआ है तो यहाँ से एक जो है डाउन मूव एक शॉर्ट जो है स्विंग नीचे की तरफ जो है प्रोबेबिलिटी उसकी ज़्यादा है संभावना देखिए हो कुछ भी सकता है लेकिन प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की ज़्यादा है चार्ट को एनालिसिस करके हम वही बता सकते हैं तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की ज़्यादा है कि ये नीचे की तरफ एक करेक्शन दे सकता है और कहाँ तक मैंने आपको लेवल्स भी बता दिए अब आपको यहाँ पे वीकनेस के साइन देखने हैं कि आपको वीकनेस देखनी है कि आपकी जो आ, आपकी जो ब, जो आपकी बियरिश बी, कैंडल्स बनती है वो कितनी वॉल्यूम्स के साथ बनती है यहाँ पेरिश कैंडल आती है जैसे ये देखिए अब मैं एक बार जूम जूम इन और कर देता हूँ देखिए ये कंसोलिडेशन है मैं एक बार ये हटा देता हूँ आपको अगर इसमें वीकनेस देखनी होगी तो आप वीकनेस को कैसे देखोगे मैं ये बता देता हूँ आपको सारा कुछ हटा देते हैं दोस्तों इसमें से देखिए हमने सारा कुछ हटा दिया और आपको अगर इसमें Uh, जो है आपको वीकनेस देखनी है तो आप वीकनेस कहां से देखोगे दोस्तों यहां एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप और ले लोगे और यहाँ एक खींचोगे जो ये अगर इस रेंज को ब्रेक करके ये निकल जाता है क्योंकि देखिए इस रेंज में काफ़ी टाइम से फंसा हुआ है इस रेंज को ब्रेक करके अगर ऊपर की तरफ चला जाता है तो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ कन्फर्मड है इस रेंज को ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ जाता है तो नीचे की तरफ टारगेट जो है बहुत ज़्यादा फाइव फाइव के लेवल पर जाके ये रुकेगा तो ये एक ये एक तरीका है स्टॉक को एनालाइज़ करने का दूसरा जो मैंने स्टॉक आपके लिए निकाला है वो दोस्तों निकाला है हीरो मोटोकॉप हीरो मोटोकॉप में देखिए हीरो मोटोकॉप कन्फर्मड जो है वो एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है डाउन ट्रेंड में कैसे चल रहा है देखिए ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था और इस ट्रेंड लाइन को देखिए ट्रेंड लाइन एग्जैक्ट नहीं आएगी थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है जब भी ये इस ट्रेंड लाइन पे आता है यहाँ से एक डाउन मूव आती है जब भी देखिए मैं जूम जूम इन कर देता हूँ जब भी ये इस ट्रेंड लाइन पे आता है यहाँ से एक डाउन मूव आती है जब भी एक ट्रेंड लाइन पे आता है इसमें एक डाउन मूव आती है तो यहाँ पे देखिए लेकिन इसने अभी रिसेंटली 12 अप्रैल को इस आ, जो है आ, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया है और ब्रेक करके काफ़ी अच्छे तरीके से ये एक बहुत बड़ी मूव दी है अब देखिए होता ये है कि एज़ पर द एज़ पर दी जो आप कहें प्रोबेबिलिटी की एक बहुत बड़ी मूव आती है और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ये ग्रेव स्टोन डोजी या डोजी टाइप का बना है तो एक यहाँ से करेक्शन आनी बनती है तो आपको ये देखना है कि करेक्ट होने के बाद जब ये वापस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आता है तो वहाँ से क्या ये एक बड़ी मूव ऊपर की तरफ देता है क्या ये एक बड़ी अपमूव ऊपर की तरफ देगा तो आपको ये चीज़ इसमें देखनी है और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर की तरफ ये जो स्विंग हाई है जो जिस स्विंग हाई के पास जा रहा है तो ये स्विंग हाई जो है टू एट टू नाइन टू एट थ्री जीरो का है तो यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगी आप उस वेट कर सकते हैं कि या तो ये ऊपर की तरफ आ करेक्ट ऊपर की तरफ आ जाए या फिर ये नीचे की तरफ इस ट्रेंड लाइन पर आ जाए और तब आप ये देखें कि इधर या इधर क्या चीज़ होती है यहाँ पे एक बीरिश साइन बनता है तो आप यहाँ शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं स्विंग ट्रेड भी हो सकता है लेकिन अभी इसमें फिलहाल कुछ नहीं है अभी आपकी सिर्फ ये वॉच पे होना चाहिए कि हीरो मोटोकॉप आपकी वॉच पे है तीसरा जो, जो स्टॉक है दोस्तों वो मैंने सेलेक्ट करा है मारुति अब मारुति में भी ऑलमोस्ट अगर आप हम जूम इन करें तो ऐसी ही कंडीशन हमें देखने को मिल रही है मारुति देखिए इस ट्रेंड लाइन पे चल रहा था यह वाली एक ट्रेंड लाइन थी जिसको कि यह ओबे कर रहा था और इसका जो इसका जो नीचे की रेजिस्टेंस थी वो ये थी हमारी दोस्तों और देखिए एक तरह से ये एक जो आप कहेंगे कि डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है एक पैटर्न आपने पढ़ा हो डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा था जिसमें कि प्राइस जो है वो एक ऊपर की स्लोपी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है और नीचे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है और स्क्वीज़ होता जा रहा है उसके अंदर और उसके अंदर से ब्रेकआउट ये कैंडल जो थी ये वाली कैंडल इसने ब्रेकआउट करके यहाँ से कन्फर्मेशन दे दिया और एक बड़ी अपमूव यहाँ पर आई है अब इसका पहला टारगेट कहां हो सकता है पहला टारगेट दोस्तों पहला टारगेट आपका यह है कि यह ये इस वाले लेवल पे आके कहीं रुक सकता है इस वाले लेवल पे इस ये वाले जो हाई है स्विंग हाई ये वाला पहला इसका टारगेट हो सकता है और दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि अगर ये यहाँ से करेक्ट करता है और निफ्टी भी बेरिश इसको निफ्टी बेरिशनेस भी इसको कंफर्म करती है तो हीरो मोटोकॉप वाला ही हाल होगा इसमें भी क्योंकि देखिए दोनों एक ही सेक्टर के स्टॉक्स हैं तो दोनों का एक ही हाल एक ही जैसा चार्ट होना बड़ा आ, जो है ब, ब, बहुत ही ज़्यादा प्रॉबेबलिटी उस चीज़ की ज़्यादा है तो अगर ये अपमूव को कर रखता है तो ये यहाँ तक का टारगेट होगा और अगर ये डाउन मूव आती है तो ये यहाँ पे रुक के और फिर वापस जंप लेगा जैसे हीरो मोटो मैंने बताया तो अभी इसमें वेट एंड वॉच की ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा इंडिगो इंडिगो देखिए दोस्तों जैसे ही जेट एयरवेज़ और जेट एयरवेज़ का आपने देखा होगा कि क्या हाल हुआ उसके बेसिस पे इंडिगो को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने के चांसेस हैं तो इंडिगो जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है इसकी ट्रेंड लाइन आप देख ही पा रहे हैं कि ये देखिए ये अपनी ट्रेंड लाइन ये इसकी ट्रेंड लाइन है और ये देखिए कितने बढ़िया चैनल के अंदर चल रहा है और अभी जो है अभी अ, अभी देखिए जब भी ये इस चैनल के अपवर्ड पे आता है तो अपवर्ड पे आने पे इसको रेजिस्टेंस मिलती है जैसा कि आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा ऊपर चलता है दोस्तों ये ये नहीं है कि ये इस इससे बाहर निकल गया तो ये यहाँ से बिल्कुल ब्रेकआउट ही दे दिया इतना आपको थोड़ा सा बफर देना पड़ता है और यहाँ देखिए एक बिरिश साइन बना है बिरिश तो इसमें जो है पहला टारगेट अगर आप रखें तो यहाँ ट्रेड बनता है और आप इसको मंडे को कल यानी देख सकते हैं कि कल ये कितना करेक्ट करता है तो पहला टारगेट इंट्रा डे में ही एटलीस्ट क्योंकि ये बहुत बड़ा रन दिया है तो यहाँ पे अगर स्विंग ट्रेड रखें तो स्विंग ट्रेड में एटलीस्ट ये थोड़ा करेक्ट करेगा एटलीस्ट थर्टीन एटी फाइव के लेवल तक या कहें कि आप फोर्टीन सिक्सटी टू के लेवल तक ये वाले इस वाली कंजेशन एरिया तक ये करेक्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है फोटीन फिफ्टी टू के उसके बाद दोस्तों हमारे पास है जनरल इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस का स्टॉक है ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है और देखिए ये बहुत टाइम से जो है ना डाउन ट्रेंड में चल रहा था बहुत टाइम से और बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन थी इसकी जिसको ये रिस्पेक्ट कर रहा था देखिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से ये डाउन ट्रेंड इसमें कन्फर्म्ड था और यहाँ पे अभी रिसेंटली देखिए यहाँ पे इसने जो है अपना ट्रेंड चेंज किया है अब वो ट्रेंड चेंज कैसे किया है देखिए ये लो था ये लोअर लो low था ये हाई था ये लोअर हाई था ये वापस लोअर लो आया देखिए ये वापस हायर लो बना ये हायर हाई high बना इसको तोड़ के ये फिर ऊपर हायर लो बना और ये देखिए ये एक अपने कंसोलिडेशन में आ चुका है थोड़ा सा लेकिन इसने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया ट्रेंड चेंज करने के बाद एकदम जो स्टॉक है ना वो ऊपर के ट्रेंड में नहीं हो जाता ये चीज़ को आप ध्यान रखना कि एकदम जो स्टॉक है ना ऊपर के ट्रेंड में नहीं हो जाता वो थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है थोड़ा सांस लेता है क्योंकि उतने टाइम से गिरता आया है तो थोड़ा बैठ के वो सांस लेगा और सांस लेने के बाद इस रेंज को ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ तो जनरल इंश्योरेंस बहुत ही अच्छा स्टॉक है ये आपकी वॉच लिस्ट पर रहना चाहिए यहाँ पर ट्रेड जो है तभी बनेगा जब ये टू सेवन टू सिक्सटी है अभी टू सेवनटी वन के ऊपर ये एक अच्छी बुलिश कैंडल देगा और एक अच्छी वॉल्यूम्स के साथ देगा जिसकी कि प्रॉबिबिलिटी बहुत हाई है क्योंकि बहुत टाइम से ये डाउन ट्रेंड में रहा है और यहाँ रिवर्सल बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है उसके बाद दोस्तों एच डी एफ सी का स्टॉक निकाला है मैंने हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी एक एच डी एफ सी बैंक है वो भी निकाला है एक एच डी एफ सी भी निकाला है एच डी एफ सी ने अभी रिसेंटली जो है ना आपका ब्रेकआउट दिया था अब यहाँ पे ब्रेकआउट कैसे आया था देखिए ये वाला जो, जो जोन था ना ये वाला जोन था आपका ये वाले जोन को इसने ना ब्रेकआउट दिया था अभी देखो रिसेंटली ही दिया है ये एक बार इस जोन में आया दोबारा आया दोबारा आया तीसरी बार आया चौथी बार आया और पांचवी बार ही उसको तोड़ के ऊपर निकल गया अब ये क्या कर रहा है कि वापस इस जोन को टेस्ट कर रहा है वापस जो ये रेजिस्टेंस थी अभी एक सपोर्ट बन गई है अब आपको यहाँ वेट करना है कि जब ये वापस देखिए एक दिन दो दिन नहीं काफ़ी दिन तक स्टॉक जो है यहाँ पे टेस्ट करता रहेगा और जिस दिन यहाँ पे एक बुलिश कैंडल के साथ ये अपने बुलिश कैंडल के साथ अपने प्रायर हाई को ब्रेक कर देता है तो आपके लिए ट्रेड कन्फर्म्ड है और जो रिस्की ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे एक जो है कंसोलिडेशन के बाद एक बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल जो आपकी मैंने आपको कैंडल्स में बताया था कि जोन फोर या फाइव की कैंडल मिल जाती है तो वहाँ से भी आपका ट्रेड कन्फर्म हो जाता है उसके बाद दोस्तों मैंने एच डी एफ सी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइन एच डी एफ सी बैंक का जो स्टॉक है वो निकाला है देखिए दोनों स्टॉक ऑलमोस्ट सेम ही बिहेव कर रहे हैं ये भी जो है एच डी एफ सी अगर आप देखेंगे तो एच डी एफ सी भी आपका सेम ही बिहेव कर रहा है ये अपने जोन को ब्रेक करके ऊपर निकला था और यहाँ भी वही स्थिति देखने को मिल रही है कि ये वाला जो है इस जोन को टेस्ट कर रहा है और इस जोन को कब तक टेस्ट करेगा ये दोस्तों ये स्टॉक ही जानता है लेकिन हम तो अपने टेक्निकल्स को देख सकते हैं तो अगर इसको अगर आप ये देखें कि इसको अगर मैं फिफ्टीन मिनट के चार्ट में देखूँ कि इंट्राडे दे डे में इंट्राडे डे में ये कैसा चल रहा है तो इंट्राडे डे में दोस्तों मैं रिमूव कर दूँ इस स्टॉक को क्या इंट्राडे डे में, में मेरे पास ट्रेड आ रहा है इसका बनके <coughs> देखिए इंट्रा डे में ये बहुत ही ज़्यादा चौपी चल रहा है क्योंकि क्यों चौपी चल रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि डेली चार्ट पे ये जो है डेली चार्ट पे ये आ, बहुत ही ज़्यादा अपना चॉपी है इस समय इस समय रेंज नहीं है तो इसको आप अभी अवॉइड कीजिएगा और इसको आप अपनी वॉच लिस्ट पे रखिएगा तो दोस्तों ये मैंने वीडियो बनाया था आपके लिए प्राइस एक्शन एनालिसिस की सीरीज़ अब प्राइस एक्शन एनालिसिस भी किया करेंगे स्टॉक्स का ताकि आपको भी याद रहे स्टॉक्स कि किस स्टॉक में क्या चल रहा है और आप जब ट्रेडिंग करने बैठे और इंट्राडे में किसी स्टॉक में अच्छा ट्रेंड देखें तो आपको याद आ जाए हाँ इस स्टॉक में डेली चार्ट में ये चल रहा है और यहाँ पर मेरा इंट्राडे में ट्रेंड कन्फर्मड है तो हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम जो है आपको तभी याद रहेगा जब स्टॉक के डेली के चार्ट याद रहेंगे आपको तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो ज़रूर दोस्तों आ, ट्रेडिंग लैब के आ, जो यूट्यूब चैनल है यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेलाइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा थैंक यू दोस्तों